है एवरीवन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों में बताने वाला हूँ कि पोको M3 में जो हम किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते हैं, सो मान कर चलिए हम यहाँ पर अपना यूट्यूब ऑन करते हैं। सो अब यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज़ का। सो हम थ्री फिंगर्स का भी इस्तेमाल करते हैं गाइस, ऑफ़ कोर्स थ्री फिंगर का भी इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर मैंने थ्री फिंगर का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको दिखाया कि स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में मतलब ये कंट्रोल सेंटर में भी आपको एक ऑप्शन दिख जाता है स्क्रीनशॉट का। इस पर क्लिक करते ही ये आपका एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। आपको एक और ऑप्शन आपको दिखेगा गाइस, यहाँ पर क्विक बॉल्क ऑप्शन, ये आपको इनेबल करना पड़ेगा अपने सेटिंग से। यहाँ पर आपको भी बहुत सारे ऑप्शन आईफोन के जैसे ही सेटिंग, यहाँ पर आपको बैक करने का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर आपको होम बटन का भी है, उसके बाद यहाँ पर मेन्यू बटन का भी यहाँ पर है गाइस। देख सकते हैं। ये क्विक बॉल बहुत काफ़ी चीज़ है यार गाइस, यहाँ पर आप लॉक भी लगा सकते हैं अपने स्क्रीन को, बहुत जल्द से जल्द अपने पावर बटन को भी मतलब पावर बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट का भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीनशॉट भी हो जाता है। इस वीडियो में मैंने बताया कि स्क्रीनशॉट किस किस तरीके से आप ले सकते हो। अगर आपको क्विक बॉल बहुत आसान पड़ रहा है तो क्विक बॉल को आप कहाँ से और कैसे इनेबल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ गाइस कि क्विक बॉल आप कैसे इनेबल कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग पे हमें आ जाना है। यहाँ पर आपको क्विक बॉल यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पर क्विक बॉल पे ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टर्न ऑन क्विक बॉल, हम यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं तो फिर से हम आपको यहाँ पर आपको मेरे स्क्रीन पे क्विक बॉल आपको दिखेगा नहीं। हम इसे यहाँ पर इनेबल कर देते हैं तो ये हमारा जो क्विक बॉल है ये हमारा दिखने लगेगा। कुछ इस तरह का क्विक बॉल है। हमको बहुत सारे अच्छे रहेंगे इसमें फीचर्स होते हैं, क्विक बॉल में बैक हो सकते हैं आराम से आईफोन का सेटिंग से क्विक बॉल, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि तीन तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पोको M3 में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।